आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शॉर्ट नोटिस पर इस पीसी के लिए आप लोग इतनी तादाद में आए उसके लिए शुक्रिया। हमारे साथ मोलाराम जी है, फार्मर मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट भल्ला साहब हैं, योगेश जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, रजनीश जी हैं और बाकी सारे साथी हैं। बेसिकली आज की ये जो प्रेस वार्ता है ये एक अहम मुद्दे को लेकर आपको तकलीफ देना पड़ा। मुद्दा है, जैसे आप जानते हैं कि 2020 और 2021 कुल मिलाकर पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोविड सिचुएशन से सारी दुनिया को झेलना पड़ा और भारत को भी उसका खामियाजा, जिसको कह सकते हैं, उठाना पड़ा। और जैसे जैसे ये कोविड-19 की सिचुएशन उत्पन्न हुई थी देश दुनिया में, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहला और अकेला लीडर था श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने वेल इन एडवांस अपनी सरकार को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जो महामारी आ रही है और इसके लिए सरकारों को जिस पैमाने पर तैयारी करनी चाहिए थी या जो स्टेप्स लेने चाहिए इस महामारी से रुकने के लिए, बचने के लिए, शायद उस दिन तक बिल्कुल भी सरकार को इसका एहसास नहीं था। उस वक्त भी आप बेहतर जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने ट्रोल किया और सोशल मीडिया में अलग अलग चीज़ें आई, मगर वक्त आते आते आपने देखा कि पूरे देश ने जो सहा और जिस तरह की मतलब परेशानियां देश में हुई कोविड स्टेज वन में भी, उसमें तो चलो सोच भी सकते थे कि ये एक ऐसे वक्त पर इस तरह की बीमारी आई है कि शायद देश दुनिया को उतनी पैमाने की तैयारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। और फिर उस फेज वन में जिस तरह से नुकसान हुए, जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, उसमें जो डेली अर्नर्स हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनको किस किस पैमाने का नुकसान उठाना पड़ा, वो सारा आपके सामने है। मगर जब फेज वन गुजर गया तो फेज टू ने फिर जब सिर निकाला, उस वक्त कम से कम पूरा देश 135 करोड़ लोग ये चाहते थे कि अब चूंकि सरकारों ने, सरकारी तंत्रों ने, सरकारी महकमों ने फेज वन में जो परेशानियां देखी, जो उनकी तैयारियां नहीं थी, अब फेज टू के लिए सारा देश, सारा तंत्र तैयार होगा। मगर देखने को ये मिला कि फेज वन गुजरने के बाद भी जो फेज टू फेस करना पड़ा, उसमें जितनी मतलब जाने चली गई और जिस तरह की मतलब क्या कह सकते हो, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, मतलब जिस तरह का उथल पुथल पूरे देश में हुआ, वो भी सारा आपके सामने है, वो सब हमारे सबके आंखों के सामने गुजरा है। तो हमने पीछे भी कहा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई साथियों से बात की, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का फैसला सरकार ने लिया, उसमें जिन सैकड़ों लोगों की शहादत हुई, जो जिनकी मौतें हुई, हार्ट अटैक्स हुए या उनके खर्चे अखराजात नहीं निकले, उनके परिवारों में लोग मारे गए, ये सरकारी फैसले का देश में अंजाम। और उसके बाद किसानों का भी आपने देखा, किसान बिल लाती भी है सरकार और 15 महीने तक लोग उसमें मारे भी जाते हैं, कुचले भी जाते हैं, और उसके 600-700 लोग उसमें, जो आंकड़े आपके सामने हैं, जिनकी मौतें हुई, जिनकी शहादतें हुई इस मिशन को लड़ते लड़ते।
और उसी तरह से फेज वन की आगाही देते हुए देश के किसी समझदार जो इन चीज़ों को इमेजिन कर रहा था, जो असेस कर रहा था कि किस पैमाने की ये बीमारी आ रही है, उन्होंने आगाह किया था, मगर सरकारों ने उस तरह के इंतजाम नहीं किए जिसकी वजह से फेज वन में भी और फिर सबसे ज़्यादा फेज टू जिसकी जिसके आप ही लोगों ने शूटिंग्स की कि दरियाओं में लोग मजबूर हो गए लाशों को फेंकने के लिए, दरिया के किनारे दफनाने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था, कोई उनको पालने वाला नहीं था। तो उस तरह से जो आंकड़े हम लोगों ने बहसित कांग्रेस पार्टी हमने आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले देश से देश की सरकार से ये मांगा था कि एक्चुअल आंकड़े जिनकी इस कोविड की वजह से मौत हुई है, अस्पतालों में हुई, घरों में हुई, दम घुटके हुए, कोई उठाने वाला नहीं रहा, ऐसे आंकड़े देश को देश जानना चाहता है। मगर जो आज तक परफेक्ट फिगर कुछ भी नहीं दिया गया और वो तो शायद सिर्फ उन लोगों को काउंट करते होंगे जिनकी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के बाद डेथ हुई, मगर कितना सारा परसेंटेज हमारे भारत देश का है जो अस्पताल तक पहुंचे ही नहीं, उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, कितने सारे लोग जो किसी को फिर बताए नहीं, स्टिग्मा ऐसा बन गया था, वो एक परिवार में अगर कोई एक आदमी कोविड हुआ, उसकी एक्यूट प्रॉब्लम हुई, आगे हॉस्पिटल नहीं, फिर पड़ोसियों को भी नहीं बोल पाए। तो इसलिए ये 3 लेयर जो डेथ्स हुई है इस कोविड में, जो रजिस्टर्ड हुए, जो ऑन वे हुए, जो घरों में मतलब इस मौत का सामना किया, उस चीज़ का सरकार के पास पहले तो अभी कोई फिगर नहीं, ना ही देश के सामने रखी गई। दूसरी बात जो अहम मुद्दा हमारा आज का है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये कहा कि जिनकी कोविड की वजह से डेथ्स हुई, जिनके परिवारों में मौतें हुई, उनको सरकार को कंपनसेट करना चाहिए क्योंकि ये सरकार की नाचाकी है। सरकार आखिरकार बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, हमारी जमहूरियत का सेंस उसका यही है, बाकी दुनियादारी तो बाद की बात है, मगर इंसानों का तहफ़ करना ये बुनियादी फर्ज है किसी भी इलेक्टेड सरकार का। और अगर वो तहफ़ ही नहीं दे पाए, जान नहीं बचा पाए और उनकी मतलब जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं दे पाए, तो ऐसे में फिर साफ बनता है कि सरकार को ये ओन करना पड़ेगा, फिगर देश के सामने लाना पड़ेगा। उस फिगर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने फिर देश के सामने एक डिमांड रखी कि तमाम कोविड से डेथ्स की वजह से जो लोग मारे गए उनको कम से कम 4 लाख रुपए पर पर्सन कंपनसेशन सरकार को देना पड़ेगा। और उन्होंने सुझाव भी साथ में दिया कि जहां पर कांग्रेस सरकारें हैं वहां के हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने जो भी उनके यहाँ डेथ्स हुई होगी उन डेथ्स को 4 लाख में से 1 लाख रुपए स्टेट उन्हें ऑफर कर दिया कि 1-1 लाख रुपए हम देंगे और बाकी मानदा 3 लाख रुपए मरकजी सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत में देना चाहिए ताकि उनके पीछे कोई पालने वाला नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे डेथ्स हुई जिनके बाल बच्चे यतीम हो गए और उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जो कांग्रेस सरकारों ने ऑफर दिया, जहाँ जहाँ कांग्रेस की कोलिशन सरकारें जैसे महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, वहाँ पर भी तमिलनाडु में है, वहाँ पर भी कांग्रेस समर्थन से जो सरकार है वहाँ पर भी हमने वहाँ की सरकारों को तैयार किया कि वो भी 1-1 लाख रुपए उनके मृत हुए लोगों को वो स्टेट से दें। अगर कांग्रेस डायरेक्टली जहाँ हुकूमत में वहाँ कर रही है, जहाँ कोलिशन में वहाँ कर रही है, तो हमारी आज की डिमांड आपके माध्यम से हमारे प्रदेश जम्मू कश्मीर, चाहे यूटी कहो, जबान से तो भी प्रदेश ही निकलता है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम सब लोगों की तरफ से कांग्रेस पार्टी की सी ये डिमांड है जो राहुल गांधी जी ने एक सुझाव सामने रखा है, उस सुझाव पर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी अमल करना चाहिए। अब चूंकि यहाँ हमारी
सरकार नहीं है, हम नहीं कह सकते कि 1,00,000 रुपए हम देंगे, तो ये तो सांझा सरकार है, ये तो गवर्नर राज है, यहाँ तो न किसी पार्टी का राज है तो न किसी का नहीं है। तो ऐसे में हमारी जोरदार डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में जिनकी COVID-19 के जरिए डेथ हुई, उसकी वजह डेथ हुई, अस्पतालों में हुई, रास्ते में हुई, स्टेट से बाहर हुई, स्टेट के अंदर हुई, घर में हुई, जिस किसी को भी इस जद में आकर के डेथ हुई, उनके लिए हमारी पुरजोर डिमांड है कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और उस डायरेक्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम बाजाबता एक मेमोरेंडम भी, एक खत भी इस डिमांड को लेकर LG साहब, मनोज सिन्हा साहब को लिख भी रहे हैं, आज ही लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा देश में आज और कल तमाम प्रदेशों में इस तरह की डिमांड कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। क्योंकि हमने पहले उसमें ऑफर की जो किया, जो राहुल गांधी जी ने इसमें जो सुझाव दिया, कांग्रेस पार्टी के सरकारों ने और कांग्रेस पार्टी के कोलेशन वाले स्टेटों में हम लोगों ने फैसला कर दिया और मरकजी सरकार को लिख भी दिया कि हम वो राहुल गांधी जी के सुझाव के मुताबिक 1,00,000 रुपए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, बाकी मानदा 3,00,000 रुपए पर केस सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए ताकि उन परिवारों को थोड़ी सहायता हो जाए। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। अगर आपका कोई सवाल है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कोल का एक वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मारे गए 3 आतंकवादी को शहीद कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देव साहब, पहले अगर इस सब्जेक्ट को लेकर कोई आपकी भी कोई मंशा है, पहले वो, फिर बाद में तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पर भी बात करें। कोविड के थर्ड वेव को लेकर आज प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू मीटिंग की है, आप लोग में से कहते हैं कि कोविड को लेकर गवर्नमेंट को थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए, किस तरह देखते हैं, जिस तरह केसेस में राइज आ रहा है, उनके रिव्यू क्या है? नहीं, राइज ये तो फिर खतरात पूरे दुनिया में आ रहे हैं कि थर्ड वेव का भी मतलब कहीं कहीं देखा गया, और वो कहते हैं बड़े पैमाने पर होगा। अगर थर्ड वेव आया तो फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा स्पीड में आएगा। तो ऐसे में देश को फिर हम कह रहे हैं, अगर फर्स्ट में नेग्लिजेंस हुई, सेकंड में नेग्लिजेंस, थर्ड की तो तैयारी करनी ही चाहिए, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर के घर बनने में 20,000 रुपये लगाए, 20,000 करोड़ लगाए जाएँ, जहाज खरीदने में 10,000 करोड़ लगाए जाएँ, और जो पेट्रोल डीजल और दूसरी चीज़ों में कमाई है 20-20 लाख करोड़ रुपए, वो अपने यार दोस्तों को देने के बजाय वो पैसा जो देश के गरीबों के जेबों से लूटा जा रहा है, जो आज भी पेट्रोल डीजल और गैस में इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कम से कम 30-35 रुपए सेंट्रल सरकार हमसे लूट रही है, वो जो पैसा है वो वेलफेयर काम में आना चाहिए, वो अडानी और अंबानी के जेब में नहीं जाना चाहिए। यही तो देश एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए तो देश सह भी रहा है इतनी महंगाई, और शायद सोचते हैं कि हमारे जेब से निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे इमरजेंसीज में काम आएगा, हमारे हॉस्पिटल तैयार हो जाएंगे, हमारी दवाइयाँ तैयार हो जाएंगे, हम उन चीज़ों की तैयारी करें जो खतरात हमारे सामने आ रहे हैं। मगर खाली रिव्यू मीटिंग लेने से तो देश के लोगों की जान नहीं बचनी है, उस डायरेक्शन में उनको कुछ अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे, ये हमारी डिमांड है। तीन कानूनों को वापस लेने के बाद किसान कह रहे हैं कि MSP पर कानून बनाया जाए, जबकि भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि अब किसान के कुछ नेता जो है वो सियासत कर रहे हैं, कानून वापस को ले। देखो, अब आप उस इश्यू पर आ गए, मेरा उसमें इतना ही कहना है, जो भी कोई सरकार कोई भी कदम उठाए, कोई भी कानून बनाए, जिनके लिए वो सोचता है कि मैं उनकी भलाई के लिए ये कानून बना रहा हूँ, किसी तबके के लिए, और उस तबके को ऑन बोर्ड लिए बगैर जब आप बनाओगे, उनकी उसमें सहमति नहीं है, उनको उसमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये हमारे फायदे के लिए है, तो रिवोल्ट तो होंगे, एहतजाज होंगे। और किसानों को मैं फिर एक बार मुबारकबाद दे रहा हूँ, उनकी यूनिटी ने, उनकी इस तपस्या ने, चाहे धूप में हो, चाहे सर्दी में हो, चाहे किन किन हालात में गाड़ियों से कुचले भी जाते हैं, और उसके बावजूद वो टस से मस नहीं हुए, और जिसकी वजह से इतनी मतलब अपने आप को जो कहती थी कि मैं बहुत ही बड़ी संख्या के साथ सरकार में आया हूँ, उसको अल्टीमेटली झुकना पड़ा। और जब तक न किसानों के सारे इश्यूज, अब जब मामला उठाई है, ये मामला खाली तीन कानून का नहीं है, MSP का मामला है, और 2022 में डबल इनकम की एश्योरेंस है,
अब तो 2022 आने में कुल मिलाकर 40 दिन बाकी है, 35 ही दिन है, तो 35 दिन के बाद हम भी देखेंगे देश के किन किसानों को डबल इनकम हो गई। जो लाख रुपए कमाता था उसके जेब में हो सकता है जनवरी में 2 लाख रुपए आ जाए, हम तो उस पर भी नजर रखे हुए। जनता अवेयर नहीं थी इस बीमारी से, जम्मू कश्मीर की अगर बात हो गोडो मेडिकल कॉलेज की अगर बात हो तो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर नहीं था, बहुत सारे लोगों की लापरवाही के कारण मौत हुई। सेकंड वेव में वही देखा गया, क्या लगता है कि थर्ड वेव में जम्मू कश्मीर प्रशासन को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो गलती सेकंड वेव में हुई थी वो गलती? हम तो आगाह कर रहे हैं, मैं तो शुरुआत ही किया कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मेरे ख्याल से फरवरी 20 में ही, अभी तो कुछ केसेस ही आए थे, उन्होंने तब आगाह किया था कि ये किस लेवल की बीमारी है और किस तरह से सरकारों को तैयारी करनी चाहिए। तब तो उसको कोविड को भी किसी कौम के खातिर डाल दिया, किसी मतलब शक्ल सूरत के लोगों में डाल दिया। टेक्निकली और एजुकेशनली सरकार उस चीज़ को एसेस ही नहीं कर पाई। मैंने ये भी अपनी बात में कहा, अगर पहली वेव में प्रिपेयरनेस नहीं थी, अंदाजा नहीं था, तो सेकंड में होना चाहिए था। जो सेकंड में भी अब वो नहीं कर पाए क्योंकि पहले से ज़्यादा डेथ सेकंड वेव में हुई, तो हम नहीं चाहते देश का कोई एक भी जन इस तरह की महामारी से मारा जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, उनको पूरी तरीके से जो अब तजुर्बा भी उनको हुआ, अब तो कल नहीं कह सकते थे हमें नहीं पता, फर्स्ट भी देखा सेकंड भी देखा, अगर कोई इस तरह की थर्ड वेव आती है हम तो उम्मीद करते हैं कि उसमें किसी एक आदमी की भी जान न जाए। और साथ ही साथ अपनी समाधि नजर आई कि देखिए सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने तमाम फैसिलिटीज दी है, आपको लगता है कटनी और करनी में अगर सभी स्तर पर देखा जाए तो देखो अगर मैं फिर वही कर रहा हूँ, पहले मैं मानता हूँ कि शायद अंदाजा नहीं था किस लेवल का होगा, पहले में अंदाजा हो गया तो दूसरे के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। जो दूसरी वेव आई तो उस वक्त डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ, तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने पहले के बाद कुछ तैयारी की है तो फिर उतनी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अब अगर दूसरा भी गुजर गया तो तीसरी की अलार्म्स आ रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि जो ड्राइविंग सीट पर है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा तीसरा वेव आ भी जाता है, जिसके केसेस जम्मू कश्मीर में भी देखे जाते हैं, रोज बढ़ते ही केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को मुस्तैदी से, होशियारी से कोशिश करनी चाहिए कि कोई एक भी जान किसी भी शख्स की ना जाए, ऐसा फर्ज भी बनता है सरकार को और ड्यूटी भी बनती है। अगर जैसे अभी एक नोटिस निकला है कि गाइडलाइंस निकली है कोविड की, जहां पर होटल और बैंक्वेट्स के ऊपर जो है एक कैपिंग लगाई गई है, लेकिन चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, चाहे मौजूदा सरकार हो, अगर इलेक्शन आता है तो क्या जो इलेक्शन के कैंपेन निकाले जाएंगे उसमें विपक्ष या मौजूदा सरकार की जो पार्टियां होंगी वो कोविड लाइन्स की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर पाएंगी? वो नहीं, डेफिनेटली देखो जो सरकार से बाहर है वो तो हर चीज़ को अभी तक फॉलो करते आए, हमने कभी भी उसमें इंडिसिप्लिन नहीं किया, मगर इंडिसिप्लिन जब शुरू होता है सरकारों से ही। आज भी देखो कल का ऑर्डर है एक मजिस्ट्रेट का, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो मीटिंग करना चाहते थे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और उसको मजिस्ट्रेट कहता है कि 25 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे, या कल का ऑर्डर। मगर वाइल एज आप देख लीजिए ये ऑर्डर तो इन एग्जिस्टेंस है पिछले 6 महीने से, अभी तो उसमें रिलैक्सेशन सरकार ने की नहीं। और जब उनके 70 मिनिस्टर आते हैं, यूनियन मिनिस्टर आते हैं, उनके फिल्म स्टार्स आते हैं, उनके चाहने वाले आते हैं, उनके ऑफिस बेयर आते हैं, और उनके लिए जब वो वायलेट करते हैं तो कहीं पर 3,000 कुर्सियाँ लगा करके जनसभाएँ करते हैं, कहीं पर बड़े बड़े शो करते हैं, तो वो होती है कथनी और करनी में फर्क। जब उनके बैनर के नीचे कुछ होना है तो उसमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं। जब उनके अपोजिट वाला कोई अपना अवेयरनेस प्रोग्राम, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम लगाना चाहता है तो उन पर तो लॉक लगाए जाते हैं, नॉट मोर देन 25। तो ये चीज भी आप देखते रहिए, जो सरकारी पक्ष के लोग हैं, जो मोदी साहब के हक में अंदर या बाहर बात रखने वाले लोग हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं। जो खुल के विरोध में है, जो उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो उनको आई ओपनर बन सकते हैं,
उन पर तो ये सारी चीजें लागू हैं। और साथ साथ में जैसे आपने कह दिया, जैसे बैंकट हॉल्स है, होटल्स है, मैरिज हॉल्स है, उन पर उनकी आमदनी रोकने के लिए ये आर्डर उनको रोज रोज दिखाते हैं। सर एक सवाल कृषि कानून पे पूछना चाहूंगा आपसे। सर अभी जब बीजेपी ने अपना, मोदी सरकार ने जब कानून वापस लिए हैं, तो उनका कहना यह है कि जितनी पार्टियां जो किसानों को बरगला रही थी उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार खुद गुजरात में सीएम थे, इसी एमएसपी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे उस समय कांग्रेस सरकार के लिए, उस पर क्या बोलना चाहिए? ये बहुत लंबा सवाल है आपका। मेरा सिंपल ये है, मोदी साहब ने आज भी कोई किसान को, जो उसने उस दिन सुबह सुबह 9 बजे आकर भाषण मारा और रोने पर आ गया कि हम समझा नहीं पाए इसलिए मैं माफ़ी मांगता और ये तीनों कानून वापस लेने की घोषणा करता हूं, वो उन्होंने देश के किसानों के लिए नहीं किया, ये मैं वसूख से कह सकता हूं। वो उनको ज़बरदस्त हीट महसूस हुई उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक हीट उसको महसूस हुई सिर्फ वहाँ पर, उत्तर प्रदेश में अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्होंने ये घोषणा की। ये अमल में कब आएगी उनके मंत्री तब से आज तक कह रहे हैं। आपका ये कहना है कि ये जो ऑर्डर आया है ये किसान हित के लिए नहीं है, वोट हित के लिए। मैं दिल से कह रहा हूँ, उनको उसमें किसानों की मौत शहादत का असर नहीं, अगर असर हुआ होता तो उनका यूनियन होम मिनिस्टर जिस तरह से गाड़ियों के नीचे कुचलता है किसानों को, तो उस वक्त कर लेता ना। और उसको इस्तीफा, पूरा देश उसका इस्तीफा मांग रहा है फेयर ट्रायल के लिए, कहाँ कर रहा है? तो ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो वाजपेयियों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया किसानों ने, उस दरवाजे को खोलने के लिए फिलहाल घोषणा की। अब पार्लियामेंट आते आते उनके अंदर ही विरोध है इसका, उनके अपने यूनियन मिनिस्टर्स ने कह दिया, गवर्नर्स ने कह दिया कि मोदी साहब ने किसी पर मतलब प्रेशर में जाकर की अनाउंसमेंट की, वो तो हक में ही नहीं उसको। हम देखेंगे ना, पार्लियामेंट आ रहा है, कितने लोग उसके इस वापसी के पक्ष में, कितने उसके अपोजिट में रहेंगे। कांग्रेस तो पहले दिन से चाहती थी, हमने तो पहले दिन कहा कि ये किसानों के खिलाफ के कानून है, ये अल्टीमेटली सरकार को वापस लेने होंगे। क्या मोदी साहब अपने घर के अंदर इसमें सहमति बना पाएगा नहीं बना पाएगा, वो आने वाले दिन बताएंगे। सर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी को लेकर बात कर रहे थे किसान, उस पर सरकार एक कमेटी बना रही है, केस वापसी और कंपनसेशन को लेकर स्टेट्स जो है वो सोच सकती है, किस तरह देखते हैं इस बयान को? उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपका जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसको खत्म कर देना चाहिए। देखिए, अगेन ये वेग स्टेटमेंट, एक जिम्मेदार मंत्री, अंडर ओथ मंत्री, जो किसानों की भलाई के लिए उसको काम दिया गया, वो इस तरह से वेग स्टेटमेंट आया कि हम कमेटी बनाएंगे, अभी तक क्या कर रहे थे वो? किसान तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, 15 महीने पहले से कह रहे हैं, 15 महीने पहले क्यों नहीं उनसे कमेटी बनाई जो आज तक उसको फाइंडिंग दे दी होती और उस पर एक डायरेक्शन आती? मुझे लगता है किसान उठेंगे नहीं, किसान कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। एक तो वो देखेंगे पार्लियामेंट में 3 कानून वापस लेने का क्या हाल होगा, दूसरा वो इंश्योर करना चाहते हैं, क्योंकि अब इस जुमलाबाज सरकार पर देश के किस लोगों को, टोटल लोगों को भरोसा नहीं, और किसानों को तो ज्यादा ही भरोसा नहीं, जिनका एक मुख्यमंत्री कुछ कह रहा हो लाठियों से कुचल दो, दूसरा कुछ कह रहा हो, तो ऐसे में किसान भी यकीन करे तो कैसे करे? उसी तरह से बात करें डेली वेजर्स की, जो की भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, 65,000 परिवार है डेली वेजर, बात करें टेंडर्स टू कंट्रेक्चुअल लेक्चर की, बात करें एमपीओस की, बात करें होम गार्ड। मैं मैडम आपको बता रहा हूँ, ये कोई आज नहीं हम कह रहे हैं, हम तो पिछले 6 साल से लगातार सड़कों पर ये कह रहे हैं, भाजपा के पास में लोगों को देने के लिए कुछ नहीं, सरकार हमारी, लोग हमारे, प्रदेश हमारा, तो क्यों उनके साथ में सौतेली माँ का व्यवहार कर रहे हैं? अरे आपको कल वोट भी लेने उनसे, आप उनके डायरेक्शन में, मैंने आपके सामने ही प्रेस क्लब में एक दिन कहा था, आज तो जो भी भाजपा है वो खुद ही यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, खुद ही यहाँ होम मिनिस्टर है, खुद ही यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। अब वो उन बच्चों को कह रहे हैं कि पहले चुनाव आने दो, पहले मेरी सरकार बनाओ, फिर मैं आपका मामला तय करूं, तो ये कौन सा इंसाफ है? पर ये भी तो कहा जाता है कि पुरानी सरकारों की बात। अरे सरकारें तो काम करती रहती है,
अब पुरानी सरकारों को फिर लोग मौका देंगे, यही नौजवान मौका देंगे, हम उनका करेंगे मसला हल क्यों नहीं करेंगे? सरकारी प्रोसीजर में उनका काम चल रहा था, जो उसका मिनिमम पीरियड होता है कैजुअल नीड बेस का, वो पास करना बहुत ज़रूरी होता था और हमने उसकी तैयारी की थी, बजटरी प्रोविजन भी किया था। मैंने हज़ार बार ये कहा, अगर फ्लड नहीं आता 2014 में, हमने चुनाव से पहले इन 60,000 लोगों का कैबिनेट में इनका अप्रूवल दे दिया होता। इसके गवाह हैं सारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे कांग्रेस के मिनिस्टर्स। मगर सहानिया हुआ, फ्लड आया, सरकार डिरेल हुई, इलेक्शन लादे गए और इलेक्शन में चेंज हुई, तो जो नई चेंज हुई वो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे अपने लोग। पहले मैनिफेस्टो में रखा था कि सरकार बनेगी, सबसे पहले पीपी फेजर का मुद्दे को हल किया जाएगा। आप रविंद्र राणा जी कहते हैं कि अगर हमारे जवाहर का सीएम बनेगा तो पहले क्या अपने मीटिंग। ये नाइंसाफाना उसका स्टेटमेंट है, क्योंकि पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनकी सरकार है। यूं तो वो रोज बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करता है, एक टोल प्लाजा नहीं उठा पाया, एक मतलब यहाँ बाजरी और रेता का स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाया, तो बातें तो बड़ी बड़ी करता है, जबकि वो सरकार में है, वो उस अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकता है। वो रूलिंग पार्टी का एक जिम्मेदार शख्स है, उसको चाहिए डिलीवरेंस। डिलीवरेंस देगा, लोग फिर मजाज है कल किस साइड क्या करेंगे। थैंक यू।